वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। स्टेज वाले का धन्यवाद जिन्होंने समा बख्शिया, क्योंकि असी रात को लखीमपुर खीरी तो 6 बजे चले सी। ये उन्होंने शहीदों की अस्थियां ने, उन्होंने शहीदों के फुल ने, तो साड़ी जो हरियाणा वालों कमेटी बनी सी उसने मेरी जिम्मेवारी लगाई सी, वो अस्थियां लैके असी रात को आए हैं। तो ये अस्थियां 3 जगह तो चलिया, एक पंचकूला तो चलती, पंचकूला तो चलते हुए हर पिंड दे विच हुंदियां होईयां कुंडली बॉर्डर ते आउणगे, सिंघू बॉर्डर ते, एक डब वाली तो जो कि राजस्थान ते पंजाब दा बॉर्डर है डब वाली, उस तो चल के वक् वक् पिंडां च हुंदियां होईयां ते टिकरी बॉर्डर ते आउणगे। एक साढ़े इलाहाबाद हल्के दे विच हरियाणे विच चुनाव चल रहा है, उत्थे चुनाव दे विच हर एक पिंड दे विच असी लैके जावांगे अस्थियां नूं, हर एक ढाणी च लैके जावांगे। तो तुसी भी पंजाब वालियां दे सारे पूरे देश दे, कल पूरे देश दे हर राज्य वास्ते अस्थि कलश उत्थों चले ने, साढ़े शहीदां दे फुल लैके पूरे देश दे विच लजाया जाऊगा। तो हर एक जो उसने दर्शन करूगा उन्हें दस्या जाऊगा भी ये कातिल सरकार ने, ये कॉरपोरेट घराने की सरकार ने साढ़े शहीदों का नरसंहार किया। लखीमपुर खीरी दे विच उन्होंने शहीद किया, जदों जलियांवाले बाग दे विच साढ़े साथियों गोलियां नाल भुन्निया गया सी। पहलों मुगलों के टाइम से कदे हाथियों के नाल, अंग्रेजों के टाइम से घोड़ियां दे नाल कुचलिया जाता सी। अज इस जालिम हुकूमत ने साढ़े किसानों नूं गड्डियां दे थले दे के कुचल के उन्होंने कतल किया, उन्होंने शहीद किया। उन्होंने किसान साथियों की जो अस्थियां ने, तो साथियों साढ़े किसान मजदूर तो हर एक वर्ग नूं अपील भी ये अस्थियों दर्शन करके एक संकल्प लो कि इस जालिम सरकार के असी खिलाफ़ संघर्ष दे विच जो साढ़े किसान ते मजदूर ते असी सारे मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, हिस्सा बनना है। अज इन्हां 5 जणां दी वारी सी, कल तुहाडी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। जालम हुकूमत सानू इस कदर कुचल कुचल के मारन वास्ते हर तरह के हथकंडे अपना रही है। उस दिन, उस तो 10 दिन पहलों जिस दिन नरसंहार होया सी, अजय मिश्रा टैनी का बयान सी भी ये जिहड़े किसान इन्हां नूं मैं देख लूँगा लखीमपुर खीरी दे हर इन्हां जिलों तो इन्हां नूं किसानां नूं बाहर भजा देंगे। तो उस 3 तरीक नूं साडे मुख्यमंत्री खट्टर जो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री है, उसका भी बयान सी खेती बचाउणी है, अपने जमीना बचाउणी है, अपने बच्चों के भविष्य नूं बचाउणा है भी जरूरी है, इसते भी डटे रहो ते वह भी अपनी फसलों में संभालो। 2-4 नारे ला के मैं अपने बाणी नूं विराम दूंगा। शहीदो तुहाडी सोच ते, शहीदो तुहाडी सोच ते, साडे किसान शहीद अमर रहे, साडे किसान शहीद अमर रहे। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। ये अस्थियां लैके असी इत्थे संभाला देंगे, बाकी असी सिरसा लै जाएंगे, उत्थे गुरु घर चला के इतों 16 तरीक नूं दशहरे तो बाद पंचकूला तो चलनिया ने, तो डब्बा तो चलनिया है, बाकी असी इलाहाबाद तो चलानी है। इवें ही तुहाडे पंजाब दे विच भी 3-4 रूट बनेंगे, उस हिसाब नाल चलनिया है। राजस्थान, यूपी, हर स्टेट के विच जाणिया सब ने वध चढ़ के इन्हां दे शहीदां नूं याद करते हुए, इन्हां शहीदां नूं सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि इन्हां दा मैसेज जिस वास्ते इन्हां नूं शहीद होया आपां घर घर तक चाहिए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू। 5 साल तक अभी भी इंतजार करता वा फल आने तक, ये वो कौम है जिहड़ी 5-5 साल तक इंतजार करती है। अगर फसल पक्की है, कोई बरसात हो जाए, ओले आ जाए, फिर भी उस वाहेगुरू दा राम दा भाणा मन के फिर कहता कोई नहीं, फिर हो जूगी। ये बहुत सबर संतोख वाली कौम है। ये जालम हुकूमत नूं इस माइक के माध्यम, इस मंच के माध्यम तक दसना चाहते हैं तो जिन्हें मर्जी जुर्म ढाला, लेकिन ये तो साढ़े किसान ते मजदूर की सच नहीं होनी है, तेरी हार होनी है। जो सरों के तेल पुराने बजुर्ग लाइट नहीं होंगी जी, सरों का तेल का दीवा जगाते, जो दीवे के तेल मुक जाता सी ना, उस बत्ती रही फटफट फटफट कर लग जाता सी। ये हुण सरकार की हालात है, ये जो तेल मुक चुके है, ये बत्ती कल्ली रह गई है, फटफट फटफट कर रही है, ये फटफट करती हुई हर कदम गलत चुक रही है। असी बहुत सानू घाटा होया, उ असी 5 अपने किसानों शहीद साढ़े हुए ने, साढ़े इस परिवार में छोड़ा होया, लेकिन उन्होंने शहीदों की कुरबानी अजा नहीं गई। उत्थे सरकार बैठ उठते हैं, जिहड़ा गृह राज्य मंत्री जिहड़ा कि उस राज्य की पूरे प्रशासन की पूरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखता है,
अज वो लुके लुके फिरता तो बेटा जेल च है। ये तुहाडी जित है, ये तुहाडी एके की जित है, तुहाडी सफर ते संतोख की जित है, तुहाडी सच की जित है। इस जित नूं बरकरार रखना है। पहलों मैं उधरों आ रहा सी, कोई बुलारा बोल रहा सी, साडा भाई बोल रहा सी, वो कहिंदा वी जिहड़े पिंडां च बैठे वो भी आके सुनिया करो। बिल्कुल सही गल है कि आपां इत्थे 24 घंटे रहना है, तो अगर 11 बजे तो 3 बजे तक स्टेज है, 4 घंटे है, जरूर 4 घंटे इत्थे आया करो, बैठिया करो। तुहाडे आसरे ते असीं एलाबाद जो हरियाणे दे विच चुनाव है, एलाबाद उत्थे बीजेपी जेजेपी ते हलोपा तिन्हां ने मिल के कैंडीडेट खिला रहा है। असी किसी भी पिंड विच उहनूं बण नहीं दे रहे। हर जगह ते तुहाडे किसान सरदारी ते मजदूर ते आम वर्ग छोटा दुकानदार सारे मिलकर पिंडां दे विच बोर्ड लाते, वड्डे वड्डे नो एंट्री दे। इस तों वड्डी जलालत उहनां वास्ते, इस तों वड्डी उन्होंने आपां नमोशी उन्हां नूं की दे सकते हैं, कि जदों जिहड़ा एक चुनाव लड़ रहा बंदा उसनूं असीं पिंड दे विच एंट्री नहीं करन दे रहे, वोट ते बाद दी गल है। ते इह वी जिहड़ियां अस्थियां असीं लै के जावांगे साडे, जिन्हां नूं दिखावांगे भी आह देख लो भी तुसीं कातलां नूं वोट पाउणे आ कि जिहड़े तुहाडे हक ते सच की लड़ाई लड़न वास्ते उत्थे बैठे आ, उन्हां दी गल मन्नी आ। वोट जिहनूं मर्जी पाओ, सारियां जिहड़ियां बीजेपी जेजेपी जां गल करिए जिहड़ियां काले कानूनां दे हक च ने, जिहड़े साडे किसान मजदूर दे खिलाफ हुक्कियां ने, उन्हां नूं वोट नहीं पाउणे। बाकी जिहनूं मर्जी पा दो, असीं कोई इह राजनीति किसान मजदूर दे खिलाफ हुक्कियां ने उन्हां नूं वोट नहीं पाउणे। बाकी जिहनूं मर्जी पा दो, असीं कोई इह राजनीतिक मंच नहीं है। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, MSP 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭੜਕਾਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਊਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ 5 ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਤੋੜ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇਸ BJP ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਧਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਧਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ। 2 ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਚਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ, ਚਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਰਹੇ। 500-700 ਗੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੱਠ ਫੜਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜੋ, ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ ਉਨਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ
उन्होंने शहीद करता, उन्होंने मारता, लेकिन असी उन्होंने सजदा करते हैं उस पत्रकार परिवार को जिहड़ा कि किसान मजदूर परिवार के विचों सी। उन्हें कहा नहीं, मैनू मेरा कतल किया बीजेपी वालों के गुंडिया ने, अजय मिश्रा टैणी के बेटे तो वो गुंडिया ने, तो उन्होंने मेरे से गड्डी चढ़ाई है। वो वीडियो भी आ गई सामने, वो भी साडा पंजवां शहीद, कल उन्हों का सारा परिवार स्टेज के उपर सी। तो साढ़े पूरे देश का किसान, वो पहलों एक परिवार के बच्चे से, रिश्तेदारी से, उन्होंने सिस्टम से दायरा से, जो शहीद होने तो पहलों एक छोटा परिवार से उन्हों का रिश्तेदारी होगी, अब पूरा देश उन्हों का परिवार है। पूरे देश ने जो उन्होंने श्रद्धांजलि दी उ पहुँच के, साडा पूरे का पूरा संयुक्त मोर्चा कल उत्थे सी, पहलों भी उत्थे पहुँचा, कल भी पूरा संयुक्त मोर्चा उत्थे सी। तो पूरे का पूरा जो उत्थे उन्होंने श्रद्धांजलि समारोह से, पूरे का पूरा जो पंडाल के संयुक्त मोर्चा जो आगू साहबान से पंडाल से बैठे थी, तो जोड़े शहीद परिवार से उन्होंने उपर बिठाया शहीद परिवार के शहीदों के परिवारों। साडा संयुक्त मोर्चा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिहड़ा कि इस देश की लड़ाई लड़ रहा है, अनाज पैदा करने वाले की, अनाज खाने वाले दोनों वर्ग, दो ही वर्ग है, देश पैदा करने वाले खाने वाला दोनों वर्ग की लड़ाई। साडा संयुक्त किसान मोर्चा इन सारे जिहड़े योधे बैठे ने, जिहड़े इत्थे आके सुनते हैं, असीं 5 मिनट 10 मिनट बोलते हैं अगला बुलावा आ जाता है, लेकिन ये धन ने जिहड़ा सारा दिन इत्थे बैठ के सुनते हैं। इन योधिआं दे, इन साडे बजुर्गों के, नौजवान साथियों के, साडी मातृ शक्ति के, साडीआं मातावां भैणां दे, जिहड़ियां कि इस मोर्चे ते डटियां होईआं ने, 6 जगह तो दिल्ली में असीं घेर रखिआ, 3 काले कानून रद्द होण तक, MSP गरंटी कानून बन तक असीं इत्थे डटे रहांगे। किन्ने मर्जी कतल कर लैन, किन्नी मर्जी गोलियां, पहलों तो पानी दीआं बचारां मारदे सी, नाठियां मारदे सी, हुण तो सानूं गड्डियां दे थल्ले दे के कुछ ना कुछ करता गोलियां मारना शुरू कर दिया।